हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास टेंथ का अर्धवार्षिक पेपर, सब्जेक्ट आपका गृह विज्ञान, होम साइंस। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप होम साइंस का नहीं बताते हो। तो होम साइंस का मैंने ईयरली का जो आपका लास्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने गृह विज्ञान के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और अर्धवार्षिक में भी मैं आपको पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो 2022 और 23 में आने वाले हैं। ठीक है, 90% चांस है कि इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होंगे आपके रिपीट होंगे। तो देर ना करते हो, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर। समय आपको दे रखा है 3 घंटा, कक्षा 10 और पूर्णांक आपका 80 है। इस बार थोड़ा पूर्णांक में जरूर चेंज आपको देखने को मिलेगा। 75 नंबर का पूर्णांक होगा और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो नोट दे रखा है आप वीडियो को रोक करके इसको आगे पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। यानी ये आपके देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ से तो संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न सारे एक एक अंक के हैं। प्रत्येक का उत्तर एक या एक शब्द या एक वाक्य में देना है। फिर 7 से 12 तक के 2-2 अंक वाले हैं, और फिर 13 से लेकर 19 तक 3, और उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 20 से लेकर 26 तक के 5-5 अंक के। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 26 क्वेश्चन है। समय आपको दे रखा है 3 घंटा। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसमें कहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्यूशन आप कमेंट में बताना है इसका। कि मैं अभी सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। बाकी इसके आंसर अगर आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर इसके आंसर भी आप दे दीजिए, तो मैं आपको इसका आंसर भी यानी इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दूध व दूध से बने पदार्थों का परिवहन किस रूप में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ICMR का पूरा नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कहा है विकास की परिभाषा लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से याद कर लेना है, यह भी आपके फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अनास्वान भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे अच्छे से कि अनास्वान भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, पारिवारिक व्यय के प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर भी आप अच्छे से जानते होंगे कि पारिवारिक व्यय में कितने प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा है गत्यात्मक विकास का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कैल्शियम की प्राप्ति के स्रोत लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कुपोषण के मुख्य कारण क्या है। तो ये तो आप आसपास अगर आप समाज में रहते हैं, मिलते जुलते हैं लोगों से, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आहार संग्रह का क्या अर्थ है। बहुत इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आहार संग्रह का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा है शिशु के लिए रोग प्रतिरक्षण क्यों आवश्यक है। तो आपने आसपास बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे, तो इनके लिए रोग प्रतिरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ये आप इजीली लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के वस्त्र किस प्रकार के होने चाहिए। तो बच्चों के वस्त्र आपको पता है कैसे होने चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मौसम के अनुसार कौन कौन से वस्त्र पहनाए जाने चाहिए और सुविधाजनक होने चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको बना करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं, इसमें कहा वृद्धि व विकास में क्या अंतर है। दोनों में आप देखेंगे कि दोनों शब्द लगभग देखने को एक जैसे लगते हैं, और अगर कई लोग इसका अर्थ भी एक जैसे निकाल देते हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है, तो वही अंतर आपने यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आहार नियोजन से क्या लाभ हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, इसमें कहा है आहार नियोजन से क्या लाभ हैं, तो इसका आंसर आपने लिख देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयोडीन की प्राप्ति के स्रोत लिखते हुए इसकी कमी से होने वाला रोग लिखना है। कमी से होने वाला रोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, बाकी आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों की खेल सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये आप इसका आंसर आप बना करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएँ लिखिए, यानी भाषा के विकास की जो मुख्य अवस्थाएँ हैं उनको आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर, इसमें कहा है विकास की परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और फिर इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है, यानी दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना चाहिए। 20 नंबर का जो मेन है, फिर या फिर अथवा, दोनों में से एक क्वेश्चन। इसमें कहा है शिशु की मुख्य आवश्यकताएँ कौन कौन सी होती हैं, विस्तार से उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा है खेल से क्या आशय है, खेल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप
खेल का अर्थ मनोरंजन से भी ले सकते हैं, ठीक है, और शारीरिक व्यायाम से भी ले सकते हैं। बाकी इसके जो प्रकार है तो आप सभी प्रकारों को अच्छे से बताइएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 21 का अथवा, इसमें क्या है, शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, शैशव अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। भले सभी क्वेश्चन छोड़ दो, बस इस क्वेश्चन को आपने जो 21 का अथवा दे रखा है इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। गारंटी है आपकी ये फाइनल एग्जाम में भी आएगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं विस्तार से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं इनका महत्व बताइए तथा इनकी कमी से होने वाले रोग लिखिए। तो जितने भी विटामिन आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उन सभी के बारे में लिखना है और उनकी कमी से होने वाला रोग भी आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा है पारिवारिक साधन क्या है, इनके मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, पारिवारिक आय के प्रकार तथा उसके मुख्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 25 नंबर है आपका, इसमें कहा है भोजन की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी के अथवा में जो आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कहा है आहार संग्रह की कौन कौन सी विधियाँ हैं, गृहिणी के लिए आहार संग्रह का क्या महत्व है विस्तार से लिखिए। और ये जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं, और यहाँ पर भी आपको अथवा में दे रखा क्वेश्चन, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये थे आपके जो मेन क्वेश्चन थे, उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 27 पर। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ मिलान करना है। इसमें कहा है स्तंभ आ तथा स्तंभ बा में दिए गए तत्वों का परस्पर उचित मिलान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है शरीर का निर्माण, ठीक है, और BCG और सुरक्षात्मक तत्व, एनीमिया, संपूर्ण आहार, विटामिन सी। बहुत ज़्यादा ईजी है ये मिलान भी, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका सॉल्यूशन दे दो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। और इधर आपको दे रखा है विटामिन, दूध, खट्टे पदार्थ, प्रोटीन, लोह तत्व, TB, ठीक है। तो ये थे आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ना मिले तो आप ज़रूर एक कमेंट डाल देना कि सर हमको सॉल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। पहले मेरा मेन था कि सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचा दो, उसके बाद सॉल्यूशन आपका धीरे धीरे देते रहूँगा सभी क्वेश्चन पेपर के। तो इसी के साथ आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा के मुख्य या महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे आपको मैंने बता दिए। बस अब आपका काम है कि इनको अच्छे से याद कर लेना, और गारंटी है मेरा इसमें से 80-90% इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को हाफ ईयर एग्ज़ाम के लिए भी और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप लोगों की परसेंटेज 90+ आ सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।